ओके सो अभी सब ठीक है? बताओ मुझे, फटाफट बताओ बच्चों। सोनम वाहिद, वर्षा, लाइबा, मोहम्मद वाहिद, रविंद्र, समायरा, आशिफ, चलो अभी बताओ। सब बढ़िया? दिखाई और सुनाई दे रही हूँ मैं प्रॉपर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग राजू, मनीषा, सोनम। ओके अभी ठीक है। कभी कभी हो जाता है कुछ, कभी स्ट्रीम की में कुछ कभी गड़बड़ी या ओबीएस में गड़बड़ी, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी बच्चों, है ना। चलो आ जाओ। कुलदीप, प्रशांत, तुम लोग का ना जो एमओजी है, एमओजी मतलब 2 मिनट में एक्सप्रेशंस बदलते हैं तुम लोग के एमओजी वाले हैं। ओके सो हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश, गुड इवनिंग एवरीवन। आज नीट 2019 का पेपर हम करने वाले हैं। मैंने कहा था 19 और 20 दोनों निपटाएंगे, बट 20 वाले पेपर में एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, इसलिए मैंने उसको कल ही कराने का सोचा। क्योंकि क्या है कि जल्दी जल्दी कराने का कोई मतलब नहीं है अगर मैं सही से क्वेश्चंस को समझा ना पाऊं तो। ठीक है सो फटाफट आ जाओ। हाउ इज द जोश? हाँ बैकग्राउंड बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है आज तो। भाई को पीटा या नहीं? हाँ पिटाई हुई थी उसकी बहुत जबरदस्त। ओके सो यस, सेंड मी थम्स अप हार्ट एंड स्माइल एवरीवन। उसके बाद हम शुरू करते हैं फटाफट अपना ये बेहतरीन सा सेशन। ओके हाँ मोहित कह रहे हैं जस्ट चिल मैम, चलता है थोड़ा वेट करना। ओ माय गॉड, जस्ट चिल मैम, वही सही है सही। 2019 का पेपर बहुत ही आसान सा पेपर था, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही थे, राइट? तो यस जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चों, और उसके बाद हम करते हैं पेपर। हाँ सोनम मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, और एक बार स्टार्ट होंगे तो फिर एंड नहीं होना है। ठीक है फिर 100 पर जाकर, 90 पर जाकर ही रुकेंगे हम, राइट? चलो फटाफट आ जाओ। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है ना, मतलब क्लियर नहीं आ रहा, लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी ठीक है? अभी देखो, अभी ठीक है बच्चों? बताओ मुझे। चलो ठीक है अभी सही चल रहा, बताओ जरा फटाफट थम्स अप सेंड करो, सही चल रहा अभी? नाउ फाइन क्लियर? ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट नीट 2019 पेपर गाइस। ओके चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अटक रही हैं आप चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सेल्स इन जी नॉट फेज। भाई जी नॉट फेस के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, राइट? जी नॉट फेस के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फटाफट बता दो। अब देखो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, ये क्या है, कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है? अगर नेटवर्क इशू हो गया या लैग करने लगा तो ये क्या है, टेक्निकल इश्यूज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, है ना। अब मैं ये तो है नहीं कि नेटवर्क नहीं आ रहा तो मैं अब जाके कहीं से नेटवर्क 2 किलो रुपए बिक रहा है और उसमें खरीद के लाऊंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये टेक्निकल इश्यूज है, इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग सबर किया करो, थोड़ा सा सह लिया करो कभी कभी, है ना। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, और फटाफट राइट आंसर बता दो। यस आंसर मी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्स इन जी नॉट फेज। बेटा जी नॉट फेज के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, राइट? तो जी नॉट फेज में जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटर द सेल साइकिल, सेल साइकिल में एंटर करती हैं,
सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल और एग्जिट द सेल साइकिल? आंसर मी फास्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में बहुत एक कहते हैं कि बहुत इसमें डिस्कशन हुआ, बहुत आर्गुमेंट्स हुए इस क्वेश्चन में, राइट? कि कुछ लोगों ने कहा कि बी ऑप्शन करेक्ट है, सस्पेंड द सेल साइकिल, एंड कुछ लोगों ने कहा एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है? अब ये बताओ तुम लोग में से कितने लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं और कितने लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं? कितने परसेंट लोग बी ऑप्शन के फेवर में है और कितने परसेंट लोग डी ऑप्शन के फेवर में है? चलो जल्दी बताओ। हाँ मैं भी आया हूं, ओके बिल्कुल बिल्कुल। चलो बी एंड डी कुछ लोग दोनों बता रहे हैं। बेटा देखो जी नॉट फेज में जब सेल साइकिल्स होती है तो सेल ऐसा नहीं है कि उसने सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया है, वो थोड़े समय के लिए इनएक्टिव स्टेज में होती है, थोड़े समय के लिए इनएक्टिव। तो वो क्या कह सकते कि जब भी सेल को जरूरत होगी वो फिर से सेल साइकिल परफॉर्म करना शुरू कर देगी, राइट? तो इसको हम कह सकते हैं कि इसने सेल साइकिल को एग्जिट नहीं किया है, ये एग्जिट नहीं किया है। ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होगा? सस्पेंड दी सेल साइकिल। बट मैं आपको बता दूं ज्यादातर जगहों पर आंसर क्या दिया हुआ है? डी ऑप्शन। इसलिए ज्यादातर लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं। बट द राइट आंसर शुड बी बी ऑप्शन, दैट इज इट सस्पेंड दी सेल साइकिल। कुछ देर के लिए सेल साइकिल को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट? ये बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, ओके? यस, चलो डी के फेवर में है, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन लेकिन मोर एक्यूरेट है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। बेटा जिम्नोस्पर्म्स में जो फ्लोएम होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है, राइट? आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलो जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भाई, जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम होता है वहां पर क्या एब्सेंट होता है? तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स में सीप ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सीप ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अच्छा सीप ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल की तरह क्या होते हैं? इनकी जगह पर क्या होते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, ठीक है? इनकी जगह पर क्या होते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, राइट? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन? कंसेंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं? आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो पहला है मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम ऑफ द किडनी, राइट? मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम इन द किडनी। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपने ये चीज पढ़ी थी। तो कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, है ना? सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। तो बेटा इसका यूरिन कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये एरिथ्रोपोएसिस में मदद करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड लो लेवल ऑफ एंटीडायुरेटिक हार्मोन। अगर एडीएच का लेवल कम है तो यूरिन जो है ज्यादा बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा यूरिन, ओके? सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। भाई यहां पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनके करेक्ट ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी आपको मैच करनी है। चलो जल्दी से आंसर करो और जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर फोर, ओके? देखो क्या होता है ना बच्चों, एक रियल बात तुम लोगों को बताती हूँ। जब जैसे सेशन जब शुरू करना होता है तो बहुत अच्छी दिमाग के साथ मैं यहाँ पर बैठती हूँ, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक सुन के कि यार सेशन जो है सही करना सही करना सही करना। बट आई डोंट नो क्या क्या होता है कि कभी कभी पीपीटी में दिक्कत, कभी इंटरनेट में दिक्कत, जबकि सारी सुविधा यहाँ पर है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ कुछ ज्यादा होता है तो मुझे बहुत उससे शुरू में इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। लेकिन ये है कि तुम लोग की एनर्जी जब मैं देखती हूँ और तुम लोग का डेडिकेशन देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार ये सब डिस्टर्बेंसेस बहुत छोटी हैं आपके डेडिकेशन और आपके एग्जाम के आगे, राइट? ओके सो सेंड मी थम्स अप, फटाफट थम्स अप सेंड करेंगे एंड सेंड मी कि जोश कैसा है आपका। जोश आपका मेंटेन होना चाहिए एकदम हाई, तो क्या होती है ना मेरे अंदर भी काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है तुम लोग की एनर्जी को देख कर, ओके? चलो क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट बताओ, अब मैच करो और जल्दी से आंसर करो। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? 650 to 800। नियंडरथलेंसिस में होता है 1400 सीसी। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 होती है और सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी 1350 होती है।
ओके, सो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकोपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट. भाई लैकोपेरॉन में आपको पता है कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स या रिप्रेसर या किसका फॉर्मेशन करते हैं, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मैच करना है. ओके हाँ हाँ बिल्कुल, पिटाई हुई थी बेटा. आ जाओ, आई जीन क्या बनाएगा, आई जीन से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, जल्दी बताओ. आई जीन क्या बनाता है, रिप्रेसर, राइट, आई जीन विल गो विद द रिप्रेसर. जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ए जीन क्या बनाता है, जेड वाई ए होता है ना, तो ए क्या बनाता है, ए आपका बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज. ओके एंड वाई जीन क्या बनाएगा, परमीएज, राइट, करेक्ट आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है, यस, जेड वाई ए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज एंड परमीएज. ओके सो करेक्ट मैच कौन सा है बच्चों, यस, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट बताओ, बी ऑप्शन यहां पर आपका मैच कर रहा है, राइट, यस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फेनोमेनन इज नोन एज. By female gamete direct embryo formation कर रहा है, female gamete develop into embryo without fertilization, बिना fertilization के gamete क्या बना दे रहा है, embryo. अब इस phenomenon को क्या कहते हैं, जल्दी से answer करेंगे. तो आपको पता है parthenocarpy क्या होता है, formation of fruit without fertilization is called parthenocarpy, ये तो wrong हो गया. Syngamy is the fusion of male gamete with the egg cell, parthenogenesis आपका correct answer है, कि फीमेल गैमेट अगर एम्ब्रियो डायरेक्ट बना दे रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, राइट. और ऑटोगैमी क्या, सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं ऑटोगैमी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए. भाई रीडिंग फ्रेम जो एमआरएनए का यहाँ पर रीडिंग फ्रेम दिया गया है, किस कंडीशन में फ्रेम चेंज नहीं होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, यस, आंसर भी फास्ट एवरीवन. प्रशांत, सुमोजीत, अर्शद, सोनम, सीबा, मोहम्मद वाहिद, विकास, लाइबा, चलो जल्दी आंसर करो. तिलक वर्मा, ओके, नवानाथ, पता नहीं क्या नाम है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूं. चलो सो राइट आंसर यहां पर कौन सा है, अगर आप सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ पोजीशन से जी जी यू को हटा दे, देखो यहां पर एक कोडॉन क्या है, ये वाला, देन दिस कोडॉन, देन दिस कोडॉन एंड देन दिस एंड देन दिस, तो कितने हैं, 3, 2, 5 कोडॉन है. अगर इस जी जी यू एक कोडॉन को, कंप्लीट कोडॉन को अगर हटा दिया जाए तो रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा. सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन. ओके सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. कुछ लोग कह रहे हैं मैम इंक कलर को रेड कर दीजिए, चलो रेड कर दिया मैंने. ओके सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड. कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिट होता है, वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, टिटैनी जो होगा क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी एंड बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. देख लेते हैं, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. तो ये स्टर्नम से कनेक्ट होते ही नहीं है, ये क्या होते हैं, सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स होते हैं, सिर्फ वर्टिब्रा से कनेक्ट होते हैं, आगे की तरफ ये कनेक्ट नहीं होते, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल इट्स रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम. ये फ्लैट थिन बोन एंड ऑल रिब्स आर कनेक्टेड, सारे के सारे रिब्स तो कनेक्टेड नहीं होते ना बेटा स्टर्नम से, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है. देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब, ये करेक्ट है, क्योंकि 7 पेयर शुरू के जो 7 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, आगे की तरफ स्टर्नम से और पीछे की तरफ वर्टिब्रा से कनेक्टेड है, इसलिए वर्टिब्रो स्टर्नल. जो लास्ट के 3 पेयर 8th 9th एंड 10th है वो कैसे कनेक्टेड है, पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में, तो वर्टिब्रा से कनेक्टेड है, और आगे की तरफ ये कार्टिलेज के थ्रू 7th रिब से कनेक्टेड है. और 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स जो है वो फ्री रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स है,
राइट तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन. नेक्स्ट ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर. भाई जो ग्रास लीव्स होती हैं ड्राई वेदर में क्या हो जाती हैं इनवर्ड कर्ल कर जाती हैं राइट. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग. चलो एप्रोप्रिएट रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है. तो आपको पता है कि जो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है ड्राई कंडीशन होती है तो वाटर लॉस को कम करने के लिए क्या हो जाती है फ्लैसिडिटी हो जाती है इन बुली फॉर्म सेल्स राइट. क्या हो जाती है बच्चों फ्लैसिडिटी ऑफ बुली फॉर्म सेल्स इसीलिए क्या हो जाती है कर्ल कर जाती है लूज राइट. अब ये बुली फॉर्म सेल्स कहाँ होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होते हैं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11. In Antirrhinum snapdragon, a red flower was crossed with a white flower in F1 generation. Pink flowers were obtained. When pink flowers were selved, the F2 generation showed white, red and pink flower. Choose the incorrect statement. चलो यहाँ पर incorrect statement आपको बताना है. तो आपको पता है कि ये example किसका है? ये किसका example है? जल्दी बताओ. Incomplete dominance और co-dominance. तो यहाँ पर जो pink flower मिल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है किसका example है? Incomplete dominance. तो पिंक कलर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेक्ट है राइट. रेशियो ऑफ F2 क्या होता है 1:2:1 ये भी क्या है करेक्ट है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है इसीलिए जो पेरेंटल फॉर्म्स है जो व्हाइट वाला और रेड वाला पेरेंटल फॉर्म है अपियर हो रहा है. दैट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है एंड दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. तो डोमिनेंस के प्रिंसिपल को भी यहां पर फॉलो किया जाता है. ओके सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जाइलम ट्रांसलोकेट्स. बेटा जाइलम में किसका किसका ट्रांसलोकेशन होता है. तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है किसका वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स राइट. जाइलम में ट्रांसलोकेशन किसका होगा सिर्फ वाटर का नहीं करना है. वाटर मिनरल सॉल्ट इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स का भी ट्रांसलोकेशन होता है थ्रू जाइलम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट. बाय पेरिफेरल पार्ट में ओव्यूल का डेवलपमेंट किस तरह के प्लेसेंटेशन में होता है. तो ये आपका किस में देखा जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन में राइट. किस में प्रेजेंट होता है पेरिफेरल ओव्यूल्स पेराइटल प्लेसेंटेशन. और पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स क्या थे मस्टर्ड एंड आर्जिमोन राइट. मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. ओके करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट. बाय इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बताना है. चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 40. रुपेश शिवा तिलक विकास मनीषा फटाफट आंसर करो क्वेश्चन नंबर 40. कल आपका 2020 का भी पेपर खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के पहले पॉइंट्स रिवाइज करेंगे उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे राइट. तो ये जो लास्ट के आपके दो चार सेशंस होने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. जैसे एनसीईआरटी में जितनी फैक्चुअल चीजें दी गई हैं जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं वो सब हम एक बार में यहाँ पर रिवाइज करेंगे ठीक है. उस सेशन को आपको जरूर अटेंड करना है. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट. तो ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है दैट इज GLUT4. ओके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा पहले के क्वेश्चंस जो होते थे ना उसमें ज्यादातर करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते थे बट अभी के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों उसमें ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो चलो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 15 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animals. By pure line obtain करना है तो inbreeding करानी पड़ेगी. Inbreeding select harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. तो बेटा ये statement थोड़ा सा गलत है. क्यों गलत है मैं बताती हूँ. Inbreeding harmful genes को select नहीं करता. ये inbreeding harmful gene को expose करने का काम करता है right? ये harmful recessive genes को expose करता है but by selection हम उसको क्या कर देते हैं remove कर देते हैं. okay so this statement should be correct. next ये है inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable gene. ये भी correct है and inbreeding increases homozygosity. ये भी correct है कि homozygosity को बढ़ाना है तो क्या कराते हैं inbreeding कराते हैं. correct answer आपका क्या हो जाएगा b option. next question select the incorrect statement. again आपसे क्या पूछा गया है incorrect statement. okay चलो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 16. यस कौन बता रहा है समायरा रविंद्र समायरा तिलक अर्शद शिवानी जल्दी बताओ बेटा
खान कनीज ह्यूमन फिजियोलॉजी करा दूंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगी, आप परेशान मत हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डायग्राम्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे सवाल मैं एक बार में ही करा दूंगी आपको, उसके लिए आप परेशान मत हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ फटाफट। यस, देख लेते हैं। इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, तो आपको पता है यहाँ पर XXXO कंडीशन होती है, X0 कंडीशन राइट हो जाएगा ये। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स यानी बर्ड्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, तो बेटा यहाँ पर क्या होती है बर्ड्स में, फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है, फीमेल हेट्रोगैमिटी ZZ एंड ZW कंडीशन, और ये ZW क्या होती है यहाँ पर, फीमेल होती है, राइट। तो ZW यानी फीमेल डिसाइड करेगी यहाँ पर सेक्स क्या होगा, तो ये ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, ये भी क्या है करेक्ट है, XY कंडीशन होती है, राइट। एंड मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, ये भी क्या है करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है बी ऑप्शन, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन, भाई कोलेस्ट्रम क्या कहते हैं, येलोइश फ्लूइड, जो मदर जो है इनिशियल डेज में लैक्टेशन के दौरान जो फ्लूइड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रम, और उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ओके सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, कहते हैं ना इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ओके राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ जीन लोकस हैज टू एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए इज 0.4 देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, ओके। चलो तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी अगर 0.4 है तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.6। अब आपको क्या निकालना है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है ए स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर यानी 0.16, 0.16 दो ऑप्शन में है। देन हेट्रोजाइगस यानी 2 into A यानी 2 into 0.4 into 0.6 कितना हो जाएगा 0.48, एंड देन होमोजाइगस रेसेसिव निकालना है तो 0.6 का स्क्वायर यानी 0.36, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ओके बी वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। कौन किसने ये क्वेश्चन करेक्ट लगाया बताओ मुझे, राजू सोनम श्वेता फटाफट बताओ ये क्वेश्चन किसने करेक्ट लगाया, जल्दी बताओ किसने ये क्वेश्चन बेटा करेक्ट किया। देखो इस तरह का ना एक हार्डी विंगबर्ग पे एक सवाल जरूर आता है, तो एक सवाल आपका हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, भाई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी बात गलत कही गई है, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन वन है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एंजाइम आउटर नहीं इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड इन विद इनफोल्डिंग्स, हाँ जी इनफोल्डिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्रिस्टी के बारे में आपने सबने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है भाई, सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, ये भी क्या है करेक्ट है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ओके राजू कुमार मेरा सही है, चलो बहुत अच्छे। व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस इन बॉलवॉर्म, चलो अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम लोगों ने इतना पीवाईक्यू लगाया है मेरे साथ, जो लोग मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं इतना पीवाईक्यू तुमने लगाया है, अब तुम्हें लग रहा है ना पेपर, तुम एक साथ जब पेपर सॉल्व कर रहे हो पूरा पेपर पूरे 90 के 90 सवाल जब तुम एक साथ लगा रहे हो तो तुम्हें क्या रियलाइज हो रहा है कि भाई सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ से हैं, एनसीईआरटी से हैं, और ज्यादातर टॉपिक्स में रिपीटेड सवाल ही पूछे गए हैं। रिपीटेड सवाल का मतलब है उसी सिमिलर टॉपिक से पूछे गए सवाल बार बार आते हैं, राइट। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतने सारे पीवाईक्यूज करने का मतलब एक कंक्लूजन तुम निकाल सकते हो कि सारे क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी से, सारी एनसीईआरटी की लाइंस है ना। चलो तो भाई एक्टिवेशन बीटी टॉक्सिन जो है ये प्रोटॉक्सिन है, इसका एक्टिवेशन कहां पर होता है, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, इंसेक्ट के गट में जो पीएच होता है वो कैसा होता है अल्कलाइन, वहां पर ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर, ओके पाइनएप्पल प्लांट्स में क्या होता है फ्लावर के प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है,
Which combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? भाई आप पाइनएप्पल के प्लांट में कौन से हार्मोन का कॉम्बिनेशन दोगे ताकि एक तो उसमें फ्लावरिंग हो जाए और दूसरा उनकी यील्डिंग में इंक्रीज हो जाए, मतलब प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लगे। ओके चलो जल्दी बताओ। हाँ आ रहा है ना समझ में? चलो तो आप क्या दोगे, आपने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ी होगी कि ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, पाइनएप्पल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। एंड एथाइलीन, एथाइलीन क्या करेगा, इसके फ्रूट को जल्दी जल्दी पकाएगा। एथाइलीन क्या करता है, पकाने का काम करता है, जल्दी जल्दी पकाएगा तो जल्दी जल्दी फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा और आपकी यील्डिंग बढ़ जाएगी। तो आप ऑक्सिन और एथाइलीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। भाई कोई भी स्पीसीज है उसमें जो, मान लो ह्यूमंस की स्पीसीज है, तो ह्यूमन स्पीसीज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नए नए जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका जो वेट है कितना है, 2 to 5 kg है। मान लो 97% ऑफ न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, वेर एज 99% ऑफ इन्फेंट बॉर्न विद वेट 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई। मतलब क्या है कि 2 to 5 kg के रेंज में जो 3 से लेकर 3.3 तक के जो बच्चे हैं, इतने वेट वाले जो बच्चे हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले वाले मतलब 2 से लेकर 2.5 तक ये वाले बच्चे और 4.5 से लेकर 5 तक मतलब दोनों टर्मिनल वाले जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है कि जो मिड वाले हैं ये वाले बच्चे जो है सर्वाइव कर रहे हैं और इधर वाले बच्चों की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो ये किस तरह का सिलेक्शन का ग्राफ है? आंसर मी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो कर दी ना गलती तुम सब ने, और तुम सब की इतनी बुरी आदत है ना कि एक बंदे ने अगर डी ऑप्शन बोल दिया तो सबको डी ऑप्शन बोलना है। ये कहां की समझदारी है भाई, अपना दिमाग लगाओ ना, अपना दिमाग लगाओ। ये कौन सा ग्राफ है, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको कहां मिलता था, डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको मिलता था जब काऊ वाले में आप हाई जो मिल्क यील्डिंग जो काऊ है जो ज्यादा दूध दे रही है उसको आप सिलेक्ट करते थे और एक डायरेक्शन में ग्राफ की शिफ्टिंग हो जाती थी, वहां पर था डायरेक्शनल सिलेक्शन। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। आई बात समझ, अभी भी कुछ तो इतने गधे हैं क्या ही बताऊं मैं। कुछ डिसरप्टिव, बेटा डिसरप्टिव का ग्राफ कैसा होता है, डिसरप्टिव का ग्राफ इस तरह होता है, दो पीक होते हैं, टर्मिनल वाले सर्वाइव करते हैं और जो बीच वाला जो ग्राफ होता है वो डाउन हो जाता है, वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एवरेज वाले जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और टर्मिनल वाले सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल वालों की डेथ हो रही है और एवरेज वाले सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये कैसा ग्राफ है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। भाई बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोडर्मा को, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकेनावलिन ए का नाम आपने बायो मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में जो साइड में टेबल दिए रहते हैं वहां पर आपने पढ़ा है, और ये क्या होता है, ये एक तरह का लेक्टिन है। क्या है ये, लेक्टिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रेस्पेक्टिव डिजीज। चलो जल्दी से मैच करो और जल्दी से मुझे राइट आंसर बताओ। इंसुलिन की वजह से कौन सी डिजीज होगी, डायबिटीज मेलाइटस। अब बेटा कुछ लोग डायबिटीज इंसिपिटस कर देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिटस जो होता है वो ADH की कमी की वजह से होता है। राइट, थायरोक्सिन है, हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है, गोइटर हो जाएगा। कॉर्टिकॉइड्स की वजह से कौन सी डिजीज होगी, एडिसन्स डिजीज। एंड ग्रोथ हार्मोन में अगर डिफेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्रोमिगेली। सो राइट आंसर 25 का कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, इट्स 5th देन 4th देन 1st एंड 3rd, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज्ड इन द सिनर्जिड। भाई मेल गैमेट जब आता है सिनर्जिड्स में, जब सिनर्जिड्स के एक फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करके अंदर ले आते हैं तो क्या होता है, एक मेल गैमेट तो फ्यूज करता है एग से, वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस। दूसरा वाला किससे फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल न्यूक्लियस से। तो ये जो एग से फ्यूज करता है इसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। क्या कहते हैं बच्चों, सिनगैमी। और दूसरा वाला जो न्यूक्लियस से फ्यूज करता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। राइट, अब इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन।
तो आपका सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन. भाई लोकेशन मैच करना है, देख लो. क्रिप्ट्स ऑफ लिवर को हमने कहाँ पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. ग्लाइसेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है लिवर में. आइलेट ऑफ लैंगरहैन, आइलेट ऑफ लैंगरहैन पैंक्रियाज में है. और ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ है, म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम में. तो यहाँ पर करेक्ट मैच आपका क्या है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है. 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. भाई कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, इट्स नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है, सैक्रेड ग्रुप भी एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी. बट बोटानिकल गार्डन जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आएगा. ये किसका एग्जाम्पल है, एक्स सीटू कंजर्वेशन. आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को एक जगह पर लाकर उनकी ग्रोथ कराते हो, वहां पर क्या करते हैं, स्टडी के लिए, राइट. तो बोटानिकल गार्डन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTs रिफर टू. बेटा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग से आप क्या समझते हो, ये वो जीन्स हैं जब mRNA बना था, जब mRNA बच्चा होता है तो mRNA में कितने तरह के जीन्स होते हैं भाई, एक्सॉन होते हैं, फिर इंट्रॉन होता है, फिर एक्सॉन होता है, फिर इंट्रॉन होता है. ये आपके एक्सॉन है, ये इंट्रॉन्स हैं. तो आप क्या करते हो, स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स को अलग कर देते हो और एक्सॉन्स को आप जोड़ देते हो. तो एक्सॉन्स कैसे सीक्वेंसेज हैं, ये एक्सप्रेसिंग वाले सीक्वेंस है जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ठीक है. ये सीक्वेंसेज वो हैं जो एक्सप्रेस करते हैं. तो जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, वो जीन्स जो आरएनए में एक्सप्रेस होते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. आई बात समझ भाई, एक्सप्रेस्ड जो एमआरएनए बना उसमें जो एक्सप्रेसिव जीन्स है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड. बेटा कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होगा. पिरामिड ऑफ एनर्जी, बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है. और क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने 10% लॉ पढ़ा है. क्या पढ़ा है, 10% लॉ, कि जैसे जैसे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर आप मूव करोगे, इसकी एनर्जी का 10% ऊपर वाले को जाएगा, उसकी एनर्जी का 10% उसके ऊपर वाले को जाएगा, है ना. जैसे आपके परिवार में होता है, जैसे आपका परिवार का जो बेस है, बेस मतलब आपके घर का मुखिया, मुखिया मतलब जो घर में पैसा कमा के लाता है. जैसे आपके पापा, मान लो आपके घर में आपके पापा पैसा कमाते हैं, तो आपके पापा ने मान लो 1,00,000 रुपए कमाए, कितना कमाया, 1,00,000. अब इसका 10% उन्होंने किसको दिया, आपकी मम्मी को दिया. उसका 10% किसको मिला, आपके बड़े भैया को मिला. उसका 10% किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है. तो बिल्कुल इसी तरह से पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगी. पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, भाई फॉरेस्ट में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड नहीं होगा. ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी. अब सी की अगर बात करें तो यहां पर देखो, फाइटोप्लैंक्टन सी में कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन. ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं. तो फाइटोप्लैंक्टन कम है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम है, बट जूप्लैंक्टन की संख्या बहुत ज्यादा है. आप अगर ओशंस या सी में कभी भी देखो तो जूप्लैंक्टन बहुत ज्यादा होते हैं. अब कार्निवोर्स की बात करें तो जो लार्जर कार्निवोर्स है उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉलर कार्निवोर्स, ठीक है. तो यहां पर पिरामिड ऑफ बायोमास अगर सी में देखें तो क्या होगा बच्चों, इन्वर्टेड होगा. ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. भाई हजारों बार ये सवाल मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है CO2, CH4, CFC, N2O, ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. राइट आंसर आपका सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट. ये सवाल हमने पिछले 10 बार, आई थिंक जितना PYQ मैंने कराया कम से कम 10 times ये सवाल मैंने बताया है कि किडनी ग्राफ्ट या किसी भी ग्राफ्ट का रिजेक्शन कौन करता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. कौन करता है बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन. दिस इज बिकॉज बेटा पाइनस जो है जर्मिनेट ही नहीं करता है फंगल एसोसिएशन के बिना. भाई पाइनस का तो वो हाल है कि हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, राइट. हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, तुम ही हो, तुम ही हो. मतलब पाइनस जो है फंगस के बिना जर्मिनेट भी नहीं करता है. बताओ कितना गहरा प्यार है इनमें. तो ये किस तरह का रिलेशनशिप है बच्चों, ये किस तरह का रिलेशनशिप है. इस रिलेशन को क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एसोसिएशन. क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट, ठीक है. मतलब हम नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो हम नहीं, हम डूबेंगे सनम तो तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला हाल है, ठीक है. तो ये वाला जो हाल है
तुम ही हो वाला, ये किसके बीच है? पाइनस और फंजाई के बीच, राइट? ऑब्लिगेट एसोसिएशन कहते हैं विद माइकोराइजा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज? भाई एनुअल रिंग के फॉर्मेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Differential activity of cambium causes light and dark band of tissue early and late wood respectively. भाई correct है कि जब differentiation होगा cambium में तो light bands और dark band tissues के बनते हैं, वहाँ पर क्या होता है? Late wood का formation, early wood का formation, right? Activity of cambium depends upon variation in climate, right? Climate के variation पर depend करता है cambium की activity. Annual rings are not prominent in trees of temperate region. बेटा temperate region में तो seasonal variation बहुत अच्छे खासे होते हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप भी होगी. तो temperate region में temperature का variation बहुत ज़्यादा है. और जहाँ पर temperature variation ज़्यादा है, वहाँ पर annual rings काफी prominent दिखाई देते हैं. ठीक है? तो ये statement आपका wrong है. Annual ring is a combination of spring wood and autumn wood produced in a year. ये भी क्या है? Correct है. एक light band और एक dark band को मिला के हम एक annual ring कहते हैं. Right? So correct answer क्या हो जाएगा? C option. Purines found both in DNA and RNA. कौन से ऐसे purine है जो DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं? Purine में दो ही चीजें होती हैं. एक होता है आपका guanine और एक होता है आपका adenine. और ये guanine भी और adenine भी दोनों जो है DNA RNA दोनों में present होते हैं. Right answer आपका क्या हो जाएगा बच्चों? A option. Next question, variations caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are. By Hugo de Vries ने क्या कहा? कि जो भी हमारे अंदर variations है, वही variations क्या cause करते हैं? Mutation cause करते हैं. अब ये mutation होते कैसे हैं? ये mutation होते अचानक, random और directionless. इनका कोई direction नहीं होता. Right? Correct answer आपका क्या हो जाएगा? A option. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चलो जल्दी बताओ इसका आंसर, तुम लोग मुझे बताओगे. क्वेश्चन नंबर 37, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच. बिल्कुल करेक्ट है भाई. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में क्या भरे? एंजाइम्स भरे हैं और वो एसिडिक पीएच में ही काम एक्टिव होते हैं, काम करते हैं. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. करेक्ट है. लाइसोसोम्स आर फॉर्मड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो बेटा पैकेजिंग वाला जो प्रोसेस है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, गॉल्जी बॉडी में होता है. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. एंड लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें क्या होते हैं? भरे होते हैं. नेक्स्ट, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज. भाई सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होता है. एक जो होता है आर्म बहुत लंबा होता है, एक छोटा होता है. छोटे वाले आर्म को क्या कहते हैं? पी आर्म. एंड बड़े वाले को कहते हैं क्यू आर्म. तो पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इन ह्यूमन दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंटेड. भाई सीलिएटेड एपिथीलियम का काम क्या है? ढकेल ढकेल के आगे पहुंचाना. ठीक है, जैसे कोई सामान है उसको हाथों हाथ आप ढकेल ढकेल के आगे पहुंचाते हो, उसी तरह सीलिएटेड एपिथीलियम की जो सीलिया होते हैं ना, वो किसी भी चीज को, जैसे अगर फेलोपियन ट्यूब में है तो फेलोपियन ट्यूब में ओवा को धक्का देगा, जाओ भाई आगे जाओ, यूट्रस में जाओ. एंड पैंक्रियाटिक ब्रोंकियोल्स में क्या करेगा? ब्रोंकियोल्स में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस. अब ये म्यूकस को धक्का देगा, आगे जाओ, चलो निकलो. ओके, सो ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब में ये सीलिएटेड एपिथीलियम ये काम करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? Clavicep is a source of many alkaloid and LSD. बिल्कुल करेक्ट है. Conidia produced exogenously and ascospore endogenously. कल ही मैंने बताया था Basidiomycetes में क्या प्रोड्यूस होगा? जो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजिनस होते हैं और एस्को में एंडोजिनस होते हैं. ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी. बेटा ये बिल्कुल गलत है. ये तो आपने किसकी ईस्ट की बेइज्जती कर दी. बेचारा राउंडेड होता है, कुछ सिंगल यूनिसेलर होता है, कोई फिलामेंटस बॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है. एंड मॉरेल्स एंड ट्रफल क्या है? एडिबल डेलिकेसीज. मॉरेल्स एंड ट्रफल्स क्या है? फंजाई है जिसको आप चटकारे लेके खाते हो. ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड. चलो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम को मैच करो. तो यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है लाइकेन क्या होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, राइट? एल्गी एंड फंजाई. तो सी का ऑप्शन फोर. सी का ऑप्शन फोर सिर्फ एक में दिख रहा है. राइट आंसर आपका सी हो जाएगा. देखो कुछ क्वेश्चन ना थोड़ा फास्ट करना बहुत जरूरी होता है. बेटा लाइकेंस क्या है? भाई एल्गी फंजाई का एसोसिएशन कर दिया. माइकोराइजा क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट.
सेप्रोफाइट क्या है एंड पैरासाइट. पैरासाइट कहाँ रहते हैं? लिविंग और ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड सेप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिकम्पोजिशन के थ्रू एनर्जी लेते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. बाई कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, राइट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक बताई थी SSC, स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकॉकस एक्ट एज क्लॉट बस्टर, एक बताया था SMC, स्टैटिन किससे मिलता है, मुनेस्कस परप्यूरियस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो यहाँ पर स्टैटिन आपका मुनेस्कस परप्यूरियस से मिलेगा और ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है. एक बताया था CTI, साइक्लोस्पोरिनेट ट्राइकोडर्मा से मिलता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का काम करता है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट. बेटा थायोबैसिलस जो है ये डीनाइट्रिफिकेशन कराता है. क्या कराता है? डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव टू बी गुड मटेरियल फॉर. अहमद खान ने पॉलीब्लेंड बनाया और पॉलीब्लेंड के थ्रू उन्होंने पता नहीं कितनी किलोमीटर तक की रोड कंस्ट्रक्ट कर डाली. रोड कंस्ट्रक्शन किया इन्होंने पॉलीब्लेंड और बिटुमिन के मिक्सचर से. ठीक है, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज बारे में आपने केस स्टडी पढ़ी होगी. क्या पढ़ी होगी? केस स्टडी. वहां पर आपने अहमद खान का नाम सुना था, है ना. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ. बाई माउथ से स्टार्ट होके जो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है, तो आपको पता है बहुत ही आसान है. माउथ के बाद क्या होता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स सब में दिया है. इसके बाद क्या होता है? ईसोफेगस सब में दे रखा है. देन आपका होता है क्रॉप, क्रॉप, देन गीजर्ट, देन इलियम, कॉलन एंड रेक्टम. राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर. बाय टाइफॉइड कौन करता है? सेल्मोनेला टाइफी. एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड. और टाइफॉइड का टेस्ट कैसे होता है भाई? विडाल टेस्ट कराते हैं, सेल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, और आप क्या कराते हैं कंफर्म करने के लिए? विडाल टेस्ट, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, What would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liter? Cardiac output बराबर stroke volume multiplied by heart rate होता है. Cardiac output 5 liter है, मतलब 5000 ml है. फिर बोल रहा है blood volume in ventricle at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricular systole is 50 ml. तो बेटा जब contraction हो रहा है तो 50 ml है और जब relaxation हो रहा है तो 100 ml है. मतलब कि कितना, जब रिलैक्स था तो 100 ml था, कॉन्ट्रैक्ट किया तो 50 ml बचा है. दैट मींस कि 50 ml जो है हार्ट ने पंप कर दिया, तो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है इसका? 50 ml. अब आपको हार्ट रेट निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड करने के बाद 100 बीट पर मिनट. किसका किसका आंसर करेक्ट है? 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको यहां से समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद 50 ml है और रिलैक्सेशन के दौरान 100 ml है. मतलब 50 ml बाहर फेंक दिया गया, वही 50 ml आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा. आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल करेक्ट है. इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट. तो बेटा प्रोटीन कोट नहीं होता है, वो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल. कोई भी वायरस है वो इन्फेक्शन कैसे करेगा? अपने जेनेटिक मटेरियल से, ना कि अपने प्रोटीन कोट से. Prions consist of abnormally folded protein, बिल्कुल करेक्ट है. इसमें सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है. Viroids lack protein coat. Viroids में प्रोटीन कोट नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? RNA. Okay? Next question. Consider the following statement. Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. बिल्कुल करेक्ट है. भाई कोई भी मेटल आयन है या कोएंजाइम है जो एंजाइम से जुड़ा हुआ है, एंजाइम प्रोटीन से, उसको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. A complete catalytic active enzyme which is with its bound prosthetic group is called apoenzyme. तो बेटा apoenzyme नहीं कहते, इसको कहते हैं holoenzyme. क्या कहते हैं? Holoenzyme. और holoenzyme बराबर apoenzyme plus coenzyme. Apoenzyme होता है protein part और coenzyme non-protein part. ठीक है? तो ये statement गलत है. तो A is true but B is false. Okay? Next question. What map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic map? भाई जेनेटिक मैप आपने पढ़ा है और यहां पर आपने पढ़ा है क्या? वन मैप यूनिट. वन मैप यूनिट बराबर 1%, 1% क्रॉसिंग ओवर. क्या होता है? वन मैप यूनिट बराबर 1% क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, तो अ यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंट 100% क्रॉसओवर नहीं, यूनिट डिस्टेंस 1% क्रॉसओवर रिप्रेजेंट करेगा.
वन यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 1% क्रॉसओवर, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स. भाई सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है? जब ओवा में स्पर्म की एंट्री हो जाती है तब बनता है सेकेंड पोलर बॉडी. बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बट स्पर्म की एंट्री के बाद. सो इट फॉर्म्स आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट. तो भाई फोटो पीरियड को परसीव कौन करता है, रिसीव कौन करता है? इसके लीव्स, पत्तियां कौन करता है बच्चों? लीव ब्लेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक. भाई कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पर दिया गया है और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में. पाइला में क्या प्रेजेंट होगा? रेडुला, ठीक है. बॉम्बिक्स मोराई, ये इंसेक्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? मालपीजियन टिब्यूल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन. प्लूरोब्रैंकिया में प्रेजेंट होते हैं क्या? कॉम्ब प्लेट्स, राइट. यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉम्ब प्लेट्स. एंटीनिया में होता है फ्लेम सेल. अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? ए ऑप्शन मैच कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 53 में. ओके, नेक्स्ट. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल. भाई सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता है? G1, then S, then G2, then M. ओके, सो G1, S, G2, M. राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. Which of the following protocol did aim for reducing emission of chlorofluorocarbon into the atmosphere? By atmosphere में जो chlorofluorocarbon या ozone depletion से concerned, कौन सा protocol था जो ozone depletion से concerned था? तो ये आपका था कौन? Montreal protocol. It was related to the emission of chlorofluorocarbon which lead to the depletion of ozone layer. Okay? Next question. Match the following organism with the product they produce. चलो जल्दी से मैच करो और जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 56. अब देखो लैक्टोबैसिलस क्या करता है? कर्ड के फॉर्मेशन में मदद करता है, मिल्क से कर्ड बनाता है. सैक्रोमाइसिस सेरेवेशी क्या बनाएगा? ब्रेड बनाएगा. एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड. एंड एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बनाता है? एसिटिक एसिड. ए वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following contraceptive method do involve a role of hormone? भाई hormone वाले contraceptive methods कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा है barrier method में hormone release नहीं होगा, copper T में copper release होगा. barrier method again आ गया. lactational amenorrhea. lactational amenorrhea में क्या होता है कि जब तक mother lactate कर रही है, milk formation हो रहा है, तब तक मतलब ये minimum up to 6 month तक क्या होता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया. मेंसेस नहीं होते हैं तब तक कंसीविंग के चांसेस कम होते हैं. दूसरा आपका पिल्स. पिल्स में क्या होता है? इन्हीं हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन. एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, उसमें भी क्या होते हैं? हार्मोनल कॉम्बिनेशन. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल. कौन सी डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? तो देखो इसमें जेनाइटल हर्पीज जो है ये एक एसटीडी है और ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय. भाई मैंने आपको बताया 1% क्रॉस ओवर बराबर 1 मैप यूनिट. और ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट ने. किसने बताई थी? एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन. चलो बेटा अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो पर, यंग एम्ब्रियो पर या पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट पर कुछ समय के लिए क्या रहती है? रिटेन रहती है, जुड़ी हुई रहती है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है. तो ये सबसे पहले ये चीज देखा गया था किस में? टेरिडोफाइट में. एंड फ्रॉम देयर हेट्रोस्पोरी स्टार्टेड. हेट्रोस्पोरी लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. इसी से पता चला कि आगे जिम्नो में क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम. बेटा जो शुगर का मूवमेंट होता है फ्लोएम में, है ना, शुगर का मूवमेंट जो होता है फ्लोएम में वो कैसा होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, बाई डायरेक्शनल और नॉन मल्टी डायरेक्शनल. यस, आंसर मी फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 61, जल्दी बताओ कैसा होता है शुगर का मूवमेंट? अभिषेक, विक्रमादित्य,
पठान, रेहान, चलो जल्दी बताओ बच्चों, अभिजीत, भौमिक। तो ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है शुगर का मूवमेंट? बाई डायरेक्शनल, है ना। एक बार क्या हुआ कि मैं क्लास नाइन्थ के एक बच्चे को पढ़ा रही थी, है ना, क्लास नाइन्थ का एक बच्चा था, उसको मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी। क्या पढ़ा रही थी बच्चों? फोटोसिंथेसिस, है ना। तो उसने, मैंने बताया कि भाई प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें क्या बनता है? शुगर बनता है, ठीक है, शुगर बनता है जो एज अ फूड वो इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसने मुझसे क्या पता नहीं क्या दिमाग में आया, कह रहा है मैम ये जो चीनी इसमें बनता है, क्या इस चीनी को हम चाय में ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। मैंने उसको इतने अच्छे से फिर फोटोसिंथेसिस समझाई कि बेटा ये चीनी चाय वाली चीनी नहीं है, है ना। अब उसके दिमाग में ऐसा इनोसेंट सा सवाल आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। भाई जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था 1992 के दौरान, इसको हमने क्या कहा? आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 62, चलो जल्दी बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 62 फटाफट आंसर करो बच्चों। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। भाई ये बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए ही ये हुआ था आपका अर्थ समिट। ओके, सो राइट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके, बहुत हंसी आ रही है तुम लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। भाई आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के दौरान, अब व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, भाई आर्टिफिशियल किडनी है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी एंड रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। ओके, सो यहाँ पर देखो, जब हीमोडायलिसिस होती है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है जीआईटी में वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और चूंकि एरिथ्रोपोइटिन आर्टिफिशियल किडनी पे एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बना नहीं रहा है, वो रिलीज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सी एंड डी ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, सी एंड डी ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और कौन सा एंजाइम इसमें मदद करता है, कैटलाइज करता है, कौन है? हेक्सोकाइनेज। ओके, हेक्सोकाइनेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। भाई कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, करेक्ट है, जायगोट सिंगल सेल्ड होगा फिर ये बाद में एम्ब्रियो बनाएगा। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी करेक्ट है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, तो बेटा ओव्यूल्स एम्ब्रियो सैक नहीं बनाती है, क्या बनाते हैं? सीड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये भी क्या है? करेक्ट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स व्हिच पॉसेसेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो भाई ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिलिड्स में होगा, मोलस्का में होगा, आर्थ्रोपोडा में होगा, मोलस्का में भी होगा, बट मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होगा, अगेन मोलस्का, अगेन मोलस्का। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि तीनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और ट्रू सिलोमेट विद बॉडी सेगमेंटेशन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के करेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो पहला ही ऑप्शन देखो, ट्राइकोडर्मा भी यूज किया जाता है, बैक्यूलोवायरस भी, एंड बैसिलस थ्यूरिजियंसिस यानी बीटीबी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 67 का फर्स्ट ऑप्शन। मैम श्लोक सर को बोल दो केमिस्ट्री मैराथन ले ले प्लीज, तो बेटा आप श्लोक सर को मैं कैसे बोल सकती हूँ? आप बोलो आपने केमिस्ट्री उनसे पढ़ी है, तो आप उनको मैसेज कर दो, राइट, ग्रुप में आप कहीं पर भी, जहां पर भी वो आपके टच में हो, है ना, मैं नहीं बोल सकती ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Identify the cells whose secretion protects the lining of GIT from various enzymes. By HCl से protect करने का GIT को, जो protect various secretions हैं GIT में,
उसको एंजाइम से प्रोटेक्ट कौन करता है, तो गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ये म्यूकस क्या करता है, जीआईटी के प्रोटेक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायो रिएक्टर। किसका यूज करते हैं बच्चों, बायो रिएक्टर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो आपको पता है विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है ये, और ये जो विटामिन ए वाला जीन जो हमने लिया है वो किससे लिया है, डैफोडिल से। तो इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, पीडीएफ, पीडीएफ आपको बेटा मिल जाएगा टेलीग्राम पर, डॉक्टर अमृता जायसवाल से एक चैनल है, वहां पर आपको सारे पीडीएफ अभी तक जितने सेशन हुए हैं उन सबके पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 71, बकवास और फालतू बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है। यहाँ पर आपका काम है, आए हो पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद अपनी बाकी टाइम बचाकर अपनी पढ़ाई को दो, ठीक है। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, समय बचा नहीं है यार, संडे को तुम्हारा पेपर है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 71 बताओ, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ। तो बेटा इलास्टिन का बना नहीं होता है, राइट, रॉन्ग है। कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, तो वैस्कुलराइजेशन नहीं होता है। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 71 का सी वाला ऑप्शन। ओके, एंड कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग, तो ये भी क्या है, गलत स्टेटमेंट। श्लोक सर कौन है बेटा, जिनका चैनल है ये, श्लोक सर का चैनल है ये। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, आरक्यू वैल्यू ऑफ, आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपैमेटिन, ट्राइपैमेटिन की आरक्यू वैल्यू क्या होती है, 0.7। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अगर कोई न्यूक्लियर वेस्ट है, जैसे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिस्पोज करना है, राइट। तो इसको आप कैसे डिस्पोज करोगे, आप क्या करोगे ना, कोई रॉक है या अर्थ सरफेस है, उसमें बहुत गहरा सा गड्ढा खोदोगे बहुत अंदर तक, राइट, और एक जार लोगे आप, ग्लास का, थिक ग्लास का जार लोगे जिसमें आप उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को डालोगे और उसके बाद उस गड्ढे में उसको बरी कर दोगे। सो रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। हालांकि ये भी बहुत सुटेबल टेक्निक नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है सीपेज यानी लीक करते करते जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा वहां तक पहुंचने की जो है क्या कह सकते हैं एक संभावना रहती है, तो वो भी कोई बहुत बेटर सॉल्यूशन नहीं है। बट इसके अलावा भी हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने का। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, चलो जल्दी से मैच करो, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 74, अब देखो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिड्यूस इन द साइज ऑफ टी वेव। अगर टी वेव की साइज में कोई रिडक्शन हुआ तो इट विल शो अ डिजीज्ड कंडीशन कोरोनरी इस्चीमिया। ओके, तो राइट मैच यहां पर कौन सा हो रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट मैच। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। भाई टीवी आपको दिया है, ईआरबी आपको दिया है, व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आपको पता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर टीवी प्लस ईआरबी, दोनों को ऐड करना है। रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 दिया है, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए। तो आप 1000 और 500 ऐड कर दो, 1500 ml आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। भाई एक्सटिंक्शन के आपने चार कॉजेस पढ़े थे, जिसका नाम आपने बोला था इविल क्वार्टेट। क्या बोला था, इविल क्वार्टेट। अब उस इविल क्वार्टेट में आपने क्या पढ़ा था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इन सारे में सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कार्लस लीनियस। तो करेक्ट अगर साइंटिफिक नेम यहां पर देखा जाए, यस,
तो मैग्निफेरा इंडिका और लीनियस ये वाला जो नाम है ये सबसे करेक्टली रिटन है. सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाला ऑप्शन. नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर. द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड. बेटा क्यों वो एक स्ट्रैंड को काटेगा जब दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जाके काटता है तो वो क्यों एक स्ट्रैंड को काटेगा. कुछ भी बकवास, गलत है ये. द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक. अच्छा यहाँ पर इनकरेक्ट ही बताना है ना, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 78 में द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बिल्कुल सही है ये. द एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए एंड द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए. ये भी क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, गायनेकोमास्टिया एंड इज स्टराइल. भाई मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है बट फेमिनिन कैरेक्टर जो है यहाँ पर अपियर होते हैं और वो स्टराइल होता है. तो ये कंडीशन आप कहां पर देखते हो, XXY कंडीशन. ठीक है, XXY ट्राइसोमी. तो ये होता है क्लिनफेल्टर्स में. किस में होता है बच्चों, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में. ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए. किस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया. राइट आंसर आपका बी वाला बच्चा, लाइसोसोम और वैक्यूल, इसमें कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी. बेटा स्टेरॉइड हार्मोन सेलुलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अगर आपने हार्मोन एक्शन पढ़ा है तो प्रोटीन हार्मोन क्या करते हैं, उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो स्टेरॉइड हार्मोन है उनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, इंट्रा सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये स्टेरॉइड हार्मोन आराम से यहाँ पर एंटर करके बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स. ये क्या करते हैं, डीएनए से बाइंड करके फिर जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ओके, इंट्रा सेलुलर. तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन. आई बात समझ. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है ये बताना है. ठीक है, आपको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के कहाँ जाता है, रीड टेस्टिस में. रीड टेस्टिस के बाद प्रेजेंट होता है वासा इफ्रेंशिया. वासा इफ्रेंशिया जैसे ही वासा इफ्रेंशिया क्रॉस करता है टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट है एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस क्वाइल्ड पोर्शन है. उसके बाद ये सीधे जाता है कहाँ, वास डिफरेंस. वास डिफरेंस के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में ओपन होता है और यूरेथ्रा से कहाँ जाता है, यूरेथ्रल मीटस की तरफ. तो करेक्ट सीक्वेंस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस. करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज प्रपोज्ड बाय. तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, अच्छा ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये स्टेटमेंट तो दिया था रुडोल्फ वर्को नाम के साइंटिस्ट ने, बट ये मतलब इनको ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बट प्री एग्जिस्टिंग सेल्स फॉर्म फ्रॉम वॉट. तो ये तो इन्होंने समझ में नहीं आया कि पुराने सेल से नए सेल बने, बट पुराने वाले किससे बने, मुझे इस थ्योरी का कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे सही नहीं लगा. ये क्या है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बच्चों बताओ तुम सहमत हो मेरी बात से, कि मतलब ये बता तो दिया गया. अब जैसे ये तो वही बात हो गई ना कि तुम अपने पेरेंट्स से आए, तो तुम्हारे पेरेंट्स किससे आए, वो अपने पेरेंट्स से आए, तो उनके पेरेंट्स मतलब कहीं तो ओरिजिन होगी. तो इस लाइन का बाद में इसको कुछ मतलब खास कोई, मुझे नहीं लगता इस थ्योरी में कोई भी कॉन्सेप्ट है. खैर उस टाइम कुछ नहीं था तो यही बहुत बड़ी बात थी. नेक्स्ट, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय ड्रग हेरोइन. हेरोइन कैसे सिंथेसाइज होता है, राइट आंसर बी फास्ट. 84 है ना, तो आपको पता है मॉर्फिन, मॉर्फिन जो आप ऑब्टेन करते हो उस मॉर्फिन में क्या कर देते हैं, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन कर देते हैं. अगर आप मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दो तो वो क्या बन जाएगा, हेरोइन. क्या बन जाएगा बच्चों, हेरोइन. ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए. पर्सिस्टेंस न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज. बाय न्यूसिलस का जो पार्ट परसिस्टेंट रह जाता है डेवलपमेंट के दौरान, तो सीड में न्यूसिलस का परसिस्टेंट पार्ट क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. क्या कहलाता है बच्चों, पेरिस्पर्म. नेक्स्ट,
Due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to. भाई अर्बन एरियाज में क्या है, पॉलन जो एयरबॉर्न एलर्जेंस, इधर उधर हवा में इतना पॉल्यूशन है और एलर्जेंस घूमते रहते हैं, अब वो जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू क्या करेंगे भाई, अंदर जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और क्या कर देंगे, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन किसका, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स का, किसका इन्फ्लेमेशन करते हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ओके, नेक्स्ट, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद, भाई डीएनए का प्रेसिपिटेशन आप कैसे करते हो, डीएनए का प्रेसिपिटेशन कैसे करते हो, चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल ट्रीटमेंट देते हैं हम, तो डीएनए क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, उसके बाद हम डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का एग्जाम्पल क्या है, मल्टीलोड 375 एंड प्रोजेस्ट्रा सर्ट, ये दोनों क्या है, मल्टीलोड 375 बेटा कॉपर रिलीजिंग है, प्रोजेस्ट्रा सर्ट एंड एलएनजी 20, ये दोनों क्या है, हार्मोन रिलीजिंग है, राइट right? यहां पर भी मल्टीलोड 3 दिया हुआ है, तो प्रोजेस्ट्रा सर्ट एंड एलएनजी 20 ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बाय डीएनए का जेनेटिक कोड का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से, ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी किया था बायोटेक्नोलॉजी में और डाइवर्सिटी वाले यूनिट में मैंने कराया था, कि जेनेटिक कोड क्या ऐसा खास है जेनेटिक कोड में, कि वही जीन जो बैक्टीरिया में, जो ह्यूमन में इंसुलिन बना रहे थे, वही जीन आप वहां ट्रांसफर कर दो, वो बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाने लगते हैं। तो क्या खास बात है, कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, मतलब अगर जेनेटिक कोड AUG है, ये मैथ्यूनिन को कोड करता है, तो ये ह्यूमन में भी मैथ्यूनिन ही कोड करेगा और बैक्टीरिया में भी मैथ्यूनिन ही कोड करेगा। ओके, सो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन, Which part of brain is responsible for thermoregulation? Brain का कौन सा पार्ट है जो thermoregulation करता है, आपके body temperature को maintain करने का काम करता है? Answer me fast, question number 90. Last question का answer आप दोगे बच्चों? Yes, question number 90, कौन बता रहा है? Yes, it is hypothalamus. कौन है बच्चों? Hypothalamus. Okay? So correct answer आपका क्या हो जाएगा? A option. So that's all for today. I think कि आपके आज के 90 में, I think आज तो 90 में 90 correct होने चाहिए, क्योंकि कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसमें थोड़ी बहुत गलती के chances हो, है ना? चलो जल्दी बताओ किसके कितने correct हुए? किसके कितने correct हुए guys? फटाफट answer दो, किसके कितने, और सही ईमानदारी से बताना किसके कितने सही हुए हैं, ठीक है? अगर बताने में शर्म आ रही है मत बताइए, लेकिन जो लोग बताएं ईमानदारी से बताएं किसके कितने करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 90, क्योंकि अगर यहां पर तुम्हारे 90 में 90 करेक्ट हो रहे हैं तो एग्जाम में भी तुम बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म करोगे, ठीक है? हाँ, कंप्लीट, चलो जल्दी बताओ। कल जो है 2020 का पेपर लगाएंगे, और 2020 के पेपर के बाद आप लोगों ने जो जो टॉपिक मुझे भेजे हैं वो उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और उसके अलावा हम एनसीईआरटी के पूरे एक्सट्रैक्ट पे बात करेंगे, एनसीईआरटी का पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका आपको सेशन कराया जाएगा। ओके, मैम एक शायरी तो बनती है प्लीज। हाँ बेटा, शायरी वायरी सब सुन लेना पहले, अभी बताओ 90 में कितने करेक्ट हुए। अंशुमन, थैंक यू मैम फॉर दिस अमेजिंग सेशन, माय करेक्ट आंसर 85, लाइबा 86, प्रियंका 88, वाहिद 76, राजू 78, राज 65, मनीषा 89, सीबा 85, ओके, अभिषेक 78, रुपेश 83, हबीला बीबी शेख 82, प्रशांत 89, मैम मेरे एक्चुअल में 90 में से 3 रॉन्ग हो गए सिली मिस्टेक की वजह से, कोई बात नहीं रविंद्र, बट यू आर डूइंग गुड। ओके, सीबान सारी 85, राजू कुमार क्वेश्चन 89, वंस अगेन 89 में ऐसा क्या था बच्चों, वंस अगेन। अरे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं बेटा, यूनिवर्सल का मतलब होता है ना, जैसे तुम जो मेरे लिए हो एज ए स्टूडेंट, मान लो जैसे तुम
जैसे तुम्हारा बिहेवियर, क्या कह सकते हैं कि बिहेवियर जो यूनिवर्सल नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें जो शाश्वत हो हमेशा, जो चेंज ना हो कभी, ठीक है, जो कभी चेंज ना हो। तो जेनेटिक कोड जो है, मान लो AUG कोडॉन है, वो मेथियोनिन को कोड कर रहा है, तो वो फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, किसी भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, कोई भी हो, वहां पर AUG अगर है तो वो मैथ्यूनिन ही बनाएगा। यही कारण है कि हम एक ह्यूमन जीन को ले जाके बैक्टीरिया में प्रोटीन बनवा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू राहुल, थैंक यू मैम फॉर दिस लवली सेशन। ओके ओके, सो आई थिंक कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम नीट 2020 का पेपर लगाएंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन, चूंकि आप कह रहे हैं, प्लस कुछ बच्चों ने कहा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इसके अलावा जो है हम एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स, मतलब एनसीईआरटी में जितना डेटा दिया गया है, जितने एंजाइम्स दिए गए हैं, जितने लॉज दिए गए हैं, जितने पोस्टुलेट, जो भी चीजें एनसीईआरटी का एक एक्सट्रैक्ट कहते हैं, उस पे फैक्चुअल हम आपकी एक क्लास लेंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें लर्न कराई जाएंगी। ठीक है, तो वो सेशन आप जरूर अटेंड करना। ओके देन, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, लिखते रहो, अच्छे से खाते पीते रहो और हेल्थ का काफी ध्यान रखो, एक हफ्ते में एग्जाम है आपके। So till then, bye bye, take care, namaskar and stay tuned with this channel. Those who have not liked the session, please do like and subscribe the channel. Okay, till then, bye bye.